जस्ट लंच कब से बोलने की कोशिश करूँ कि जस्ट लंच कंप्लीट करने के बाद अभी हम जा रहे हैं शियालदा। डैडा ने बोला जो ऑस्कर का चूरमा स्पाइक कर डालूंगा। कब से तुम्हारा दादा बन गया? कितना कट किया, कितना कट किया, उसके बाद सही से बोल पाई। लंच करने के बाद हम तैयार हो चुके हैं क्योंकि अभी हमें जाना है बाहर। मैंने अपना हेयर ब्लैक किया, इसलिए ब्लैक किया क्योंकि आज मिथुन के साथ मेरा एक शर्त लगा है कि मैंने जो तरह तरह के मैं जो हेयर कलर करती हूँ मैं क्या पूरा ब्लैक कर सकती हूँ अपना हेयर, पूजा वो भी दुर्गा पूजा से पहले। मैंने बोला हाँ कर लिया, शर्ट लगा के मैंने अपना हेयर पूरा काला किया, तो कैसा लग रहा है जरूर बताना। हेयर का क्वालिटी थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ, पता नहीं। हेयर बोल रहा है कि मम्मा मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि तुम्हारा हेयर ब्लैक है। ऐसे कम्प्लीट ब्लैक कभी नहीं देखा क्योंकि नॉर्मली हम सब हमारा जो हेयर है वो कम्प्लीट ब्लैक नहीं होता, थोड़ा बहुत ब्राउन होता है। और ऊपर से तुम्हारा कम्प्लीट ग्रे है। तो आज शर्ट मैं जीती। जी हाँ, बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि शर्ट मैं हमेशा मैं ही जीतती हूँ। इन्होंने मुझे डेयर दिया कि तुम जस्ट अभी भी कलर करवाए तो अभी तुम ब्लैक कर ही नहीं सकते, पूजा से पहले कर लिया। ब्राउन कलर का बाल होता है, बरगंडी कलर का, हम लोग दोस्त लोग होते हैं कुट्टे को। अभी पूजा से पहले एक अच्छा सा कलर करवानी है मुझे। सच में शर्ट तो जीत लिया पर थोड़ा सा मतलब मुझे कैसा ऐसा लग रहा है, वो ग्लेज ही चला गया मेरा हेयर का। एक दो शैम्पू करने को बता दे। नहीं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना मेरा हेयर देख के जैसे कि जूट का हो, विग जैसे लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। इतना काला बाल, इतना काला बाल मैं भी अपने कभी नहीं देखा। चलो चलते है। अच्छा हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं ये तो नहीं बोला किसी को। शियालदा जा रहे, क्यों जा रहे हैं ये तो नहीं बोला। शियालदा में क्यों जाएंगे? अरे नहीं मैं वो बोलने भूल गई, हम जा रहे हैं एक्चुअली प्लांट लेने। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था पर उसके बारे में बात कर रहे थे कि नहीं मुझे पता नहीं। सारे स्ट्रीट में स्ट्रीट शॉपिंग करते ना लोग, वैसे ही स्ट्रीट प्लांट शॉपिंग बिल्कुल ऐसे इतने सारे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो वही पे आज सुबह जा रहे, कल बहुत रात हो गया था तो इसलिए ना और रिस्क नहीं लिया वहाँ पे। कोलकाता में हर एक चीज परफेक्ट है, हर एक चीज। उसके बावजूद भी हम पता नहीं क्यों बैंगलोर को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, पर फिर भी मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ पे अभी तक हमारा घर है। उस बहाने में ही सही पर हम जाएंगे बैंगलोर, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। हाँ। दिन और ऐसे करके यहाँ पे रोड बंद है, यहाँ पे हो रहा है काम, हमें पता नहीं था। बोलेगा जो फ्लैट पे तुम लोग जो अपार्टमेंट में रहते हो वही अपार्टमेंट में कहाँ क्या चल रहा है पता क्या करे, क्या करे। हम अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप में जब व्हाट्सएप ग्रुप में जब तक आप नहीं होते हो तब तक बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं चलता फर्स्ट ऑफ ऑल। और थोड़ी सुबह उठने के बाद हम पूरा सोसाइटी घूमते रहते हैं। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं बेसमेंट और दूसरे गेट से निकलने वाले हैं। बेसमेंट तो चला आया, निकलना कहाँ से वो नहीं पता। यहाँ पे बहुत सारे गेट है, मिल गया जिंदगी में जो कभी किसी को नहीं मिला वो हमें मिल गया, वो है निकलने का गेट है, खुद के अपार्टमेंट से निकलने का गेट। थ्री गेट है और एकदम एंट्री गेट के सामने से हम निकलने वाले हैं। हाथ में जब भी कैमरा होता है या कोई भी मोबाइल होता है ना तो लोग इस तरह से क्यों देखते हैं, देखते रहते हैं आपके साथ। आज के जमाने में सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब तो ठीक है, और एक चीज है ये वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बहुत कॉमन चीज है, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। पर जब भी कोई मेरे हाथ में कैमरा या तो कोई मतलब मोबाइल देख लेता है तो इस तरह से ऐसे ऐसे देखते हैं जैसे कि लगता है कि मैं कोई पाप करी हूँ, कोई अन्याय करी हूँ, कोई इलीगल काम करी हूँ। जो लोग सेल्फी लेता है वो तो समझ जाता है कि चलो पिक्चर ले रहे हैं, लेकिन तुम जैसे ब्लॉगर लोग ऐसे बात करते रहती हो तो ये देखता है कि ये बंदी ब्लैबरिंग क्यों कर रहा है अकेले अकेले, ठीक है। और देखने में तुम खराब हो नहीं, एक सुंदर सी लड़की लेकिन पागल, ये सब आता है उन लोगों का दिमाग में। Kids and I knocked down all of your marbles, but you did not seem to mind at all. We took our bikes to the lake after school each day and skipped many stones from the beach. And one thing you
you said was missing. কোনটা জিজ্ঞেস কোনটা এরিকা এরিকা না ইয়েলো ফার্ম আচ্ছা ইয়েলো ফার্ম এলো কত করে বলছে কত করে বলছে এগুলো এগুলো টাবলেট ঠিক করে বললে পরে এগুলো হ্যাঁ এগুলো আপনাদের জন্য নবসাল 260 টাকা এ টপ দিয়ে বানিয়ে দেবে তো টপ দিয়ে বানিয়ে দেবে जैसे कि देख रहे हैं ये सियालदा का मार्केट है, नर्सरी मार्केट है, बहुत सारा पेड़ है, प्राइस रीजनेबल है नहीं बोलेंगे, बार्गेन करना पड़ेगा। 20 दुकान है, 15-20 दुकान है। हाँ, करीब 15-20 दुकान होगा। मैडम अभी लेने के लिए बिजी हो गया है। ঝোলানোর একটা জায়গা করেছি আমি, পেট পুঁতে রাখলাম না ওকে দিয়ে। তো ইয়ে হামারা ও সারে প্ল্যান্টস জো কি হামনে লিয়ে হ্যায় ও সারে তৈয়ার করকে দিয়া হ্যায়। ইয়ে পট কে সাথ পট ভি মুঝে কাফি আচ্ছা লাগা। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाँ, तो ये 8 लिया है और अभी कार्ड में ठीक ठाक से सेट हो जाए बस इतना ही काफी है। अरे डिकी तो माटी पड़े जाएगा ना, माटी माटी मिट्टी गिर जाएगा डिकी में। You are my safety zone. You're solid like a granite stone. It came very sudden the day when we moved away from what had been our home. Since forever I was scared then, so scared. को अभी रात को ही सारा कुछ करना है। ये देखिए आ गए ही पानी लेके। मतलब मिट्टी डालते वक्त ना बहुत सारे मिट्टी ये टब के अंदर लग रहे थे, ये मैं काट सकता हूँ। आज बस इसे पानी दे दो, ये नहीं पड़ना है। आई 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 ऑस्कर ऑस्कर नो অস্কার অস্কার নো 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 না না হাত নড়ে যাচ্ছে এদিকে ওদিকে চলে যাচ্ছে কারণ অস্কারকে আটকাতে হচ্ছে। বহুত কম বাকি হ্যায় বাট ধীরে ধীরে ঘর জেসা সাজা রহে হ্যায়। ইয়ে ইনডোর প্ল্যান্ট হ্যায় মতলব ইয়ে হ্যাঁ হম টেবিল কে উপর ইয়া তো টিভি কে সামনে মতলব এসা কোই জগা পে ছোটে ছোটে কোই টেবিল পে রাখেঙ্গে। मॉरल सपोर्ट नाम का भी कुछ होता है भाई। जगह बहुत कम था और प्लान के लिए बहुत सारे जगहों की जरूरत पड़ती। तो जब धीरे धीरे ऑस्कर को भी संभाल लिया छोटे से घर के अंदर ही, तो ये जो भी हो ये सारे प्लान भी बच्चे की तरह ही है, तो इसे भी हम संभाल। अभी हमारा टाइम है चाय पीने की, तो अभी चलते चाय पीने। बहुत काम हो गया और नॉर्मली हम बाहर जब जाते हैं तो चाय कॉफ़ी या कुछ पी के आते हैं, तो आज कुछ नहीं पिया क्योंकि आज हमें लगा
कि आज घर जाके भी नहीं सही रहेगा क्योंकि मासी चले गए तो आर्यन और ऑस्कर अकेले रह जाएगा। हम लॉक करके जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर मासी जब हम चले जाते हैं उसके बाद अगर मासी चले जाते ना तब आर्यन मोस्ट ऑफ द टाइम लॉक करना भूल जाता है, तो इसलिए हम जल्दी से चले आए। हाँ यहाँ पे दूध है, मासी ना ऐसे ही दूध रख के जाते हैं। आप लोगों ने कहा था ना कि सोमली इस तरह से क्यों मिल्क रखते हो आप, तो मासी को मैं कितना बोलती हूँ मासी इसे जब गर्म करोगे एक साथ गर्म कर लो फिर एक बर्तन में रख दो, तो मासी जब भी चाय बनाती है तो इस तरह से बनाती है। लोग समझते हो कि मासी खाना बनाती है, एक्चुअली मासी खाना नहीं बनाती, मासी पूरे घर की साफ सफाई कपड़े मशीन से निकालने के बाद उसे ये करना फोल्ड करना सब कुछ मासी करते, पर खाना आज भी मैं ही बनाती हूँ। पर मैं रेगुलर के खाना आजकल शो शूट नहीं कर पाती, इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि अभी ये इस किचन में इतना पॉसिबल नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी देर के चाय बनाती हूँ तो ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना यानी कि डिनर लंच सब कुछ बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है शूटिंग के साथ। और जब मैं खाना बनाती हूँ पहले अनियन भी मैं कट करती थी, गार्लिक भी मैं छीलती थी, वो सारी चीज़ों में मुझे मदद करते हैं, पर आज भी मिथुन और आर्यन मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए सारा जो खाना है वो सब मैं ही बनाती हूँ। कभी कभार अगर मैं शूटिंग में बिजी रहती हूँ, मेरा कभी कभार होता है कि फुल डे शूटिंग चलता है, शाम के टाइम में मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ, तो उस टाइम में उस दिन के लिए दाल चावल ये कुछ चीज़ें मासी बना लेते हैं, बीच बीच में अगर चाय की ज़रूरत पड़ती है तो मासी बना लेते हैं, पर रेगुलर के जो खाना है फिश और कोई भी नॉन वेज हो वो मेरे हाथ का बना हुआ ही मिथुन और आर्यन खाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं ही बनाती हूँ। पढ़ाई कर रहा है। अच्छा दो दो जगह तो फैन चलती होती है, फैनटा की बंद कर देगा এই ফ্যানটা তো দরকার আছে। অস্কারটা প্রবলেম ইয়ে কেন না আমি বন্ধ করলাম না, এটা হালকা করে একটু কমিয়ে রাখলাম। বুঝলি অস্কারটা প্রবলেম কি হয় কি অস্কার কভি উস তরফ নেই বেঠতা, ও ইয়া পে বেঠতা হ্যাঁ ये जो सोफे का ये जो पीछे का साइड है यहाँ पे बैठ जाता है, तो उसका हवा नहीं लगता, उससे गर्मी लगता है ना, तो इसलिए ये हमेशा ऑन रहता है, ऑन रहता है, ये छोनू बेबी के लिए ऑन रहता है। तो जो डिपॉजिट मनी है वो हमें वापस नहीं मिलेगा, तो इसलिए मिथुन पुश कर रहे, अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ, हमने कुछ तय नहीं किया क्योंकि शिफ्टिंग इतना आसान नहीं है, इतने दिन लग गए, एक डेढ़ महीने लग गए सब कुछ सेट होने में, अभी तक कुछ बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक सेट नहीं हुआ। मिथुन बोल रहा है कि इस बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पे जहाँ पे 4 BHK है शायद 17 फ्लोर बोले थे ना 17 या 13 से 17 के बीच, 13 से 17 के बीच का जो फ्लोर है वो सारे 4 BHK है, अलग से एक स्टोर रूम है और एक सर्वेंट रूम है, तो ये सब चीज मिला के मतलब पूरा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। एक्चुअल में क्या हुआ, बेंगलुरु में हम आपको 3 BHK दिखता था लेकिन एक्चुअल में हमारा 5 BHK था क्योंकि हमारा 2 BHK रेंट में भी था, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है 3 BHK में सब कुछ, मेरा काम का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और मेरा जब बेडरूम के अंदर ही मैं का ऑफिस खोल के रखा है, मैं दिन में 2-3 घंटा ही काम करता हूँ, 2-3 घंटा मुझे बिना किसी डिस्टर्बेंस का चाहिए, और अभी तो एम्प्लॉय सब काम कर रहा है रिमोटली, इनको नहीं मेरे मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अरे ऑस्कर तो ना जेने बुझा वैसे तेरे को करे कितनी अच्छी तरह से वो सोया हुआ था, अब अगर देखते तो करे तो लोभी ना तो, और दादा के देखते टाइम हो गया है रात के 8:30, तो अभी हम जाएंगे डिनर गरम करने आज बनाने के लिए। ऑस्कर को करे ना बाबा पूरा दिन सब कुछ चेक करता है, तो आज बनाने के लिए और कुछ है नहीं क्योंकि सुबह सुबह सॉरी दोपहर को जो खाना बनाए थे वो ही है और वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये है गाठी विथ प्रॉन यानी कि अरबी विथ प्रॉन, ये है हिलशा फिश एक जो कि मिथुन खाने वाले हैं राइस के साथ, आज
काफ़ी दिनों बाद मिथुन भी दो टाइम राइस खा रहे हैं, इसमें है भिंडी फ्राई और इसमें है आर्यन का प्रॉन करी। और कल रात हम डिनर तो बनाए थे पर हम बाहर गए थे डिनर करने, तो इसका है चिकन स्ट्यू। ये देखो चिकन स्ट्यू, इसे अभी गर्म करना है। एक मूवी चल रहा है देव, यानी कि मोहन आयो मेगास्टार बंगाल का मेगास्टार। तो देव का मूवी हो रहा है तो वही हम देख रहे हैं, और सारे मूवी मतलब जो भी हम देखने जाए वो सारे हमें देखा हुआ है, और क्या करें रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा है कि कुछ देखे। तो अभी तक के जो देख रहे हैं तो बहुत स्लो मूवी है पर फिर भी चलो ठीक है, और दो तीन दिन बाद शायद हम मूवी देख रहे नहीं। चलिए अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, हो गया हमारा लंच सॉरी डिनर इमीडिएटली सोना नहीं चाहिए, तो एक मूवी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम सोएंगे। इस वीडियो को एंड करते हैं, तो दोनों मिलकर आपको बाय भी करते हैं और गुड नाइट भी बोलते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।